वेलकम टू आवर चैनल एंड टू डे टॉपिक इज फॉर बेसिक मैथमेटिकल साइंस जब भी हम बच्चों को मैथमेटिकल समझाना शुरू करते हैं या बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं तो uh, हम जो है वो कुछ बेसिक ऑपरेशन बच्चों को सिखाते हैं जो कि हमें लगता है कि वो ज़्यादा है वहां से स्टार्ट करेंगे तो बच्चों की भी ये बन जाएगी या फिर वो अगर ये चार बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख लेते हैं तो फिर आगे उनको जो है वो कोई डिफिकल्टी नहीं होती है क्योंकि यही वाले फोर बेसिक जो होते हैं वो नेक्स्ट जितने भी कम्पलेक्स ऑपरेशन हो मैथमेटिकल के कॉम्प्लेक्स uh, एक्सप्रेशन uh, uh, हो मैथ के तो उनमें ये फोर बेसिक इनमें से कोई ना कोई यूज़ लाजमी होता है तो हम क्या करते हैं हम इन फोर बेसिक्स को सिखाते हैं ठीक है uh, चाहे हम प्ले ग्रुप से स्टार्ट कर ले प्ले से कर ले ऑनवर्ड जब भी है मतलब एटलीस्ट uh, 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 मेरे ख्याल में प्ले नर्सरी प्रेप इनमें Addition and subtraction जो 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 है 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 ये दो इन classes में सिखाए जाते हैं और फिर आगे तक वो 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 उसको सिखाया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चों की आपके स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो किस तरह की है उनकी मेंटेलिटी क्या है या फिर उनका uh, क्या तरीका का है लर्न करने का उसके हिसाब से ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो करवाया कि आज हम इसके अलावा आपको पता है चार बेसिक है लेकिन लेक्चर को पूरा देखिएगा ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है बिल्कुल शॉर्ट सी है लेकिन यही जो हमारे फोर बेसिक मैथमेटिकल साइंस हैं ऑपरेशन हैं एक्सप्रेशन हैं वो नेक्स्ट जाके थोड़ा सा कम्प्लेक्स होने के बाद किस तरह के हो जाते हैं ठीक है थीके? ये चीज जो है वो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग टू द लेक्चर इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज यू नो वर दैट आवर मोटिव इज टू मेक योर लर्निंग ईजियर एंड ईजियर और हमारा ये मोटिव है कि आप बिना किसी हेल्प के सीख सकें अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकें स्पेशली पेरेंट्स तो अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से सिखा सकें हम कुछ इस तरह की बेसिक टेक्निक्स सा आपके साथ शेयर कर रहे हैं हर वीडियो में ताकि आपको मजीद जो है वो ए टू जी या फिर किताबी कीड़ा ना बनना पड़े बल्कि जस्ट कम, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तो फिर आप जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं ओके स्टार्ट लेक्चर प्लीज डोंट टू सब्सक्राइब चैनल ओके जी एडिशन आता है सबसे पहले हम बच्चों को एडिशन सिखाते हैं और इसमें हम uh, बच्चों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देते हैं उनको ऐड करना सिखाते हैं उनको स्पेशली हम जो है वो साइन को uh, जो है वो रिकॉन्ग्शन देते हैं साइन के ये प्लस का साइन है अगर ये हो तो हम ऑब्जेक्ट को ऐड करके लिखते हैं ठीक है ये जी सब्टन का साइन है अगर ये साइन होता है तो हम क्या करते हैं हम चीजों को माइनस करते हैं ठीक है थीके? निकालते हैं काटते हैं काट के लिखते हैं कुछ इस तरह के जो भी आपका वे ऑफ टीचिंग है ठीक है उसके ज़रिए आप अपने स्टूडेंट को या बच्चों को सिखाते हैं फिर आते आगे आता है मल्टीप्लिकेशन जिसको हम एक्स भी बोलते हैं बच्चों को रिकग्निशन देने के लिए क्योंकि एक्स जो है वो अल्फ़ाबेट में आता है तो उनको थोड़ी सी फेमिलैरिटी होती है इसके साथ लेकिन हम ये क्या है एक्चुअली ये मल्टीप्लाई करना इसको हम कहते हैं डिवीजन एन का साइन ये है इसका क्या मतलब होता है डिवाइड करना इक्वली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ओके okay? ये फोर बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं ऑपरेशंस हैं जो बेसिकली बच्चों को सिखाए जाते हैं उनको मैथ का कंसेप्ट दिया जाता है बाकी चीज़ों के साथ काउंटिंग के साथ या फिर और भी बाकी सारे हैं इवन एंड और नंबर हो गए दिस एंड जो भी है ये फोर बेसिक कंसेप्ट लाजमी जो है वो uh, उनको दिए जाते हैं मस्ट समझा जाता है कि ये चार इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है ओके okay? अब थोड़ा सा ऑपरेशन यहाँ पे हो जाता है कम्प्लेक्स यहाँ पर बच्चों ने लर्न कर लिया ठीक है लेकिन जब वो uh, थोड़े अप स्टैंडर्ड्स में जाते हैं जैसे uh, आगे ये स्टार्ट होता है सिक्स टू फर्दर क्लासेज में ठीक है सिक्स टू जो है वो नेक्स्ट क्लासेज में नेक्स्ट स्टैंडर्ड में स्टार्ट uh, होता है यानी आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन ये ऑपरेशन जो है वो हम सब इंट्रोड्यूस स्टूडेंट को करवाते हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक छोटी सी वीडियो बना के आपके साथ इसको शेयर करें तो जब ये रूल आता है स्पेशली अलजब्रा का या फिर सिंपलीफाई करना होता है या फिर इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें साइंस को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है थीके? तो इसमें स्टूडेंट जो है वो अक्सर गलती कर जाते हैं क्यों क्योंकि उनको नहीं पता होता तो अगर प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा प्लस होगा तो अगर प्लस होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने उन नंबर्स को प्लस करके उन ऑब्जेक्ट्स को प्लस करके उन फिगर्स को प्लस करके लिखना है जहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रही है प्लस एंड प्लस की तो वो इक्वल होता है प्लस की फिर कुछ आ, ऐसे आ, हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं क्योंकि आगे जो है वो कम्प्लेक्स ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं और स्टैंडर्ड सिक्स से जो है वो मैथमेटिकल जो है वो थोड़ा सा कम्पलेक्स हो चुका है हमारा तो इसमें क्या होता है डिफरेंट साइंस होते हैं जब डिफरेंट साइंस होते हैं एक ही स्टेटमेंट में तो समझ जाना चाहिए कि उसमें जो है वो हमने किस तरह उसको सॉल्व करना है अगर स्टूडेंट्स ये इसके गेम को समझ लेता है साइंस के गेम को समझ लेता है तो फिर उसके लिए किसी भी इस तरह के कम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साइंस को समझना ठीक है अलामतों को समझना उनको देखना कि इसका क्या जवाब बन बनेगा या यहाँ पर कौन सा तरीका अप्लाई होगा तो यहाँ पर अगर माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ मतलब दो हमारे पास ऐसे फिगर्स हैं एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है तो इसका मतलब क्या होगा माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा इक्वल ये होगा माइनस की मीन्स एक जो है वो माइनस का है साइन एक प्लस का है तो उसका जवाब जो होगा वो माइनस होगा मीन्स वो जो दो फिगर हैं जिनके साथ ये डिफरेंट अलामते हैं तो उनके साथ ये कन्फर्म है माइनस आएगा तो आपने उन दोनों नंबर्स को माइनस के साथ हल करना है उनको सब्ट्रैक्शन के साथ हल करना है और फिर उसका जवाब जो है वो जो भी होगा वो सब्ट्रैक्शन के थ्रू आएगा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ये है यहाँ पे ये है तो अब इसके साथ हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे एक रूल आ लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे है जी माइनस सिक्स है तो मल्टीप्लाई uh, लगा लें या फिर uh, इसमें आता है प्लस का साइन आ गया है, ओके, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई किया एक तो ये भी मल्टीप्लाई होंगे ठीक है ये नंबर्स भी मल्टीप्लाई होंगे दूसरा इनके साथ जो ये साइन है ये भी मल्टीप्लाई होंगे ये भी आपने जहन में रखना है ठीक है तो इनको अगर मल्टीप्लाई किया ये आया फोर्टी लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा प्लस का आएगा क्योंकि प्लस जो है वो नाइन और अगर हम यहां पर माइनस कर रहे हैं जी अः फॉर एग्जांपल यहां पे माइनस हम कर देते हैं नाइन और प्लस हम कर देते हैं सिक्स यानी हमने माइनस करना है सिक्स को नाइन में से तो जो भी आंसर आएगा चूँकि इसके साथ तीन के साथ जो सॉरी हमारा आंसर आएगा थ्री लेकिन थ्री के साथ हमने एक अलामत लगानी है यानी अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है सॉल्व करने वाला तो आ, उसके साथ जो है जो हमारी बड़ी अमाउंट है जो बड़ा नंबर है जो बिग नंबर है उसके साथ जो आ, हमारा साइन है जो अलामत है वो उसके साथ हम लगाएंगे यानी यहाँ पे माइनस थ्री आएगा ठीक है ये चीज़ आपने याद रखनी है ओके okay? कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऑपरेशन इनका चेंज हो जाएगा लेकिन आपने जो फाइनल uh, आंसर के साथ अलामत लगेगी वो जो हमारा बिग नंबर है जो हमारे पास ग्रेटर uh, नंबर है उसके साथ जो भी साइन होगा वो आएगा ओके okay? ये था माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर होगा माइनस अब सेम एज इट इज प्लस स्टार्ट में है मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल माइनस यानी अगर ये दोनों ओपोजिट पे भी होंगे ना तो इन दोनों ओपोजिट पावर्स का जो आंसर होगा वो माइनस में ही आएगा ये आपने कंफर्म करना है मतलब ये एक बहुत सिंपल सा रूल है कि जब ये दोनों ओपोजिट uh, होंगे ना एक दूसरे के तो फिर इनका जवाब जो है वो माइनस ही आएगा वो प्लस में नहीं आएगा ऑपोजिट साइन uh, है तो चाहे इनकी प्लेसमेंट थोड़ी चेंज हो यानी पहले प्लस आ जाए बाद में माइनस आ जाए पहले माइनस आ जाए बाद में प्लस आ जाए वो कोई बात नहीं है लेकिन अगर ये ऑपोजिट है तो ये क्या होंगी ये माइनस होंगी इनका आंसर जो है वो माइनस में आएगा यानी उस नंबर का ऑपरेशन आप माइनस के साथ सॉल्व करेंगे ओके फिर आता है जी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो ये होता है इज इक्वल टू प्लस ओके जो सेम चीजें होंगी जैसे हम प्लस में कहते हैं जी हम प्लस में ऐड करके लिखते हैं सारे नंबर्स को तो सेम जो पावर है ठीक है सेम अलामते हैं यहाँ पर ऊपर प्लस की है तो उसका जवाब भी प्लस के साथ हम करेंगे उस उस उन नंबर को उन ऑपरेशन को भी प्लस के साथ हल करेंगे अगर दोनों माइनस 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 प्लस होता है तो भी इसका जो है वो हम प्लस ही करेंगे ठीक है और आप अगर वहाँ पर लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई uh, करेंगे तो फिर हम इसका करेंगे इसका जवाब भी प्लस इसका जब आप मल्टीप्लाई करते हैं टू नंबर्स को और साथ में उसकी ये साइंस भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको सॉल्व करते हुए प्लस लगाएंगे अंडरस्टैंड ये था एक कंप्लेक्स यूज ऑफ रूल ऑफ दिस साइन जो बेसिक फोर साइंस आपको बेसिक uh, क्लासेस में सिखाए जाते हैं बेस बनाने के लिए तो उसके बाद ये सिक्स टू अप क्लासेस जो हैं अपवर्ड uh, क्लासेस में जो भी होता है ये थोड़े से कम्प्लैक्स रूल्स जो हैं वो अगर आप इसको एक दफ़ा दिमाग में बैठा लेते हैं इसको याद कर लेते हैं इफ़ यू हैव लर्न वंस तो फिर ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे और आप मैथ्स के ऑपरेशन में एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में कभी भी जो है वो फेल नहीं होंगे ओके okay, जी थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा